वहीं नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपनी जीत का उन्होंने दावा किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अब अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं, साथ हमारे मौजूद हैं घर से ही अखिलेश जी। ये ऊर्जा घर की, अब तो आप नामांकन करने जा रहे हैं घर से कुछ कदम की दूरी पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास के क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। स्वाभाविक है, विधानसभा में काम भी हुआ है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो अगर वहाँ की जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का। अच्छा, आपने ट्वीट किया सर कि हम सारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, किस चैलेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, मन में क्या है? सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि दो सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की सरकारें, और दोनों मिलकर के अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार सवाल ये बनता है कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बहस करनी चाहिए कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी इस महंगाई में। कमाई आधी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई, तो खुशहाली कैसे आएगी? बैंकें डूब रही हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें इन्वेस्टमेंट के बहाने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया था, आखिरकार वो ज़मीन पर कहाँ हैं? तो समाजवादी पार्टी इस बहस के लिए तैयार है कि जो सपना उन्होंने दिखाया था, जो गुजरात मॉडल उन्होंने दिखाया था, लग ही रहा है कि गुजरात मॉडल भी फेल था और गुजरात मॉडल का भी खुलासा हो गया है कि गुजरात मॉडल केवल धोखा था। अच्छा, आप बीजेपी को घेर रहे सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, मैं आपको दिखाते हुए पढ़ता हूँ कि चोला समाजवादी सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी इक्वल टू तमंचावादी, ये इशारा और संकेत और हमला आपकी तरफ है। जो लोग निराश हो जाते हैं और जिन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा होता है, जिन्होंने 4.5 साल कोई काम न किया हो, 5 साल पूरा मौका मिला, दिल्ली की सरकार का सहयोग मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हालत क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, आज बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गई, नौकरी रोजगार नहीं है, सबसे ज़्यादा छात्र अपमानित हुए, अभी हाल ही में प्रयागराज में कितना नौजवानों के साथ क्या व्यवहार हुआ, बट से मारे गए, दौड़ा के लाठी मारी गई, न जाने कितनों पे मुकदमा लग गया, हज़ारों अज्ञात में डाल दिए। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, ये तुकबंदी से सरकार नहीं बनेगी, ये जो कहीं ना कहीं से तुकबंदी की जा रही है, तुकबंदी नहीं, यहाँ चाहिए असली काम। और जनता चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि क्या है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि तमंचा नहीं हो सकती, डबल इंजन की उपलब्धि ये नहीं हो सकती कि आप समाजवाद पे प्रश्न लगाएं। अगर आप समाजवाद पे प्रश्न लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान पे प्रश्न लगा रहे हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा सर, आपको बीजेपी सपा को हर बार घेरा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे जुड़े हुए हैं, अभी ट्वीट किया आप कि बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर क्या कह रहे हैं आप? जो सूचना मिल रही है उनकी सूची देख करके, जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पर सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें कि आखिरकार वो कैसी सूची बना रहे हैं। आप सर मुख्यमंत्री जी को घेर रहे थे जब ऐलान हुआ कि गोरखपुर जाकर लड़ेंगे बीजेपी, इस पर आपको भी घेर रही थी, सब पूरी प्रक्रिया चली, अब आप नामांकन करने घर पर आए हैं, दोनों जो मुख्य नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दोनों अपने घर घर पर जाके इलेक्शंस लड़ रहे हैं, अपने चुनावों के लिए गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? एक बार जरा इस पर फिर से एक बार जवाब लूंगा, सेफ सीट की या फिर घर की मन की बात, क्या? मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुझे उनके चरण से पहले ये चरण चुनाव दिखाई दे रहा है, और मुझे किसी ने भेजा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो न जाने कहां कहां से टिकट मांग रहे थे, वो टिकट मांग रहे थे, यहां जनता लड़ाना चाहती है, तो अगर जनता ने कहा
करहल के विधायक, करहल के और कुछ लोगों ने अगर ये कहा कि आप यहाँ से लड़ें, तो दोनों में फ़र्क देखिए आप। वहाँ टिकट मांगी जा रही थी, कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी प्रयागराज से, कभी देवन से, और टिकट कहाँ की मिली? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए, वो टिकट खुद नहीं लाए और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसका जवाब किसके पास है? पेगासस को लेकर विवाद है सर, टाइम्स में जिस तरीके से संपादकीय था कि जब हथियारों की डील हुई है, पेगासस की भी डील तब हुई है, उस पर कुछ कोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक के मोबाइल में घुस जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से तो पहले ही घुसे हुए थे मोबाइल में। अब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दो व्यक्ति प्राइवेट बातें क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आखिरकार फुर्सत कितनी है, और फिर केवल आम जनता के मोबाइल सुनना नहीं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, इससे खराब काम क्या हो सकता है कि वो अपने ही लोगों की सुन रहे हैं फोन पर, अपने ही लोगों की जानकारी हासिल कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? आप अपने निजी जो उपकरण है, निजी जो अकाउंट्स हैं, उनको लेके भी कोई थ्रेट फील करते हैं कुछ, ऐसा आपने निजी अनुभव ऐसा किया हो? नहीं नहीं, हमारे मुझे थ्रेट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपने ही सरकार में, जो सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं, काम करने में मदद करें, उनकी क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सरकार में रह करके उंगली उठ रही है उनके ऊपर, अमेरिका बता रहा है, अमेरिका के अखबार बता रहे हैं कि आप जासूसी कर रहे हैं, आखिरकार ये जासूसी क्यों, और फिर जासूसी किसकी जो उनके साथ काम कर रहे हैं, तो कितनी घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सर, आपके साथी हैं चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उनको भी मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है, ये जो मुलाकातों के लिए आमंत्रण है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये कुछ नहीं है, जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो यही रास्ता अपनाते हैं, कन्फ्यूज़न का, धोखे का। भारतीय जनता पार्टी आज से धोखा नहीं दे रही, जिन्होंने सच्चे दिन का कहा हो, अच्छे दिन का कहा हो, धोखा मिला। 15 लाख का हो, धोखा मिला, काला धन खत्म हो जाएगा, धोखा मिला, GST सरलीकरण व्यापार हो जाएगा, वो धोखा मिला, बैंक्स मजबूत हो जाएंगी, बैंक्स बिक गई, वो धोखा मिला, अर्थव्यवस्था को धोखा मिला, ये धोखा देने वाले लोग हैं। तो ये चुनाव से पहले जानबूझ करके इस तरह की बात करते हैं, ये स्ट्रेटजी इनकी कि दूसरे को ऊपर आरोप लगाएं और घबराए हुए खुद हैं। घबराहट की बात करें, मैं एक आखिरी सवाल लूंगा सर, एक तरफ मैं देख रहा हूँ खुद गृहमंत्री उतरे हुए हैं, जो BJP के मुखिया हैं वो उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं, और एक तरफ बड़ा चेहरा आप ही दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरा एक तरफ से आपको मिल रहा है चैलेंज, एनर्जी आपकी हाई है, कैसे देख रहे हैं चैलेंज को? ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है, जो लोग अपने हक और सम्मान के लिए आए उन्हें लाठी अपमानित किया सरकार ने, किसान अपना चुनाव लड़ रहा है जिसको खाद नहीं मिली, घरेलू माताएं बहनें चुनाव लड़ रही कि उनके सिलेंडर महंगे कर दिए, आज हर चीज़ महंगी, तो ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। देखिए, अखिलेश यादव जी हैं, पहुंचे हैं नामांकन के लिए, अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।